Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being a Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our direct landline numbers, 2331-4444-2371-7106. And 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444-2371-7106 and 2371-7117. And please add 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, मनोज पाठक. नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ आप भी हुआ करते हैं शामिल और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444-2371-7106 या फिर 2371-7117. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए शनिवार के दिन हमारे साथ आमंत्रित हैं देश के जाने माने आर्थिक मामलों के विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. नमस्कार मनोज, नमस्कार अर्जुन और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी. डोमेस्टिक स्टॉक इंडस्ट्रीज क्लाइम मोर देन 1.5% इन द वीक एंडेड यस्टरडे इवन एज अ फॉरेन फंड आउटफ्लो कंटिन्यूज टू रिमेन. सेंसेक्स क्लोजेस नियर 58,800. निफ्टी फिनिशेस नियर 17,500 अमिड पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज. एंड द रूपी लॉग्स डेप्रिसिएशन ऑफ 61 पैसे ड्यूरिंग द वीक टू ट्रेड एट 75 रूपीज एंड 78 पैसे. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी के बाद भी घरेलू शेयर बाजार साप्ताहिक आधार पर 1.5% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुख पर सेंसेक्स 58,800 और निफ्टी 17,500 के नजदीक बंद हुआ. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया साप्ताहिक आधार पर 61 पैसे हुआ कमजोर. 75 रूपए 78 पैसे के स्तर पर आया. In our top story, domestic stock indices surged more than 1.5% during the week ended yesterday. Both stock indices climbed amid positive cues from the global markets. Investor sentiment remained positive, hoping that the Omicron coronavirus variant would be less disruptive for the global economy than initially feared. At the domestic level, the government data showed that 19 out of the 22 high-frequency economic indicators surpassed the pre-pandemic level, also boosted investor sentiment. Markets also welcomed the RBI's move to keep the key policy rates unchanged and maintaining its stance accommodative in its bi-monthly policy review. During the week, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 1,090 points or 1.89% to finish at 58,787. The Nifty at the National Stock Exchange also climbed 315 points or 1.83% to settle at 17,511. In the broader market, the mid-cap index rose 1.69% while the small-cap index jumped 2.08%. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में 61 पैसे कमजोर होकर 75 रूपए 78 पैसे के स्तर पर आकर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 96.1 दर्ज हुआ. हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर बने हुए हैं दिल्ली से संजय गुप्ता. संजय जी बहुत बहुत कार्यक्रम में आपका स्वागत. सवाल पूछे. संजय जी आप जुड़ चुके हैं हमसे, सवाल पूछिए. प्रेजेंट सिनेरियो में मैं अपने बिटकॉइन कैसे एनकैश करा सकता हूँ? देखिए संजय जी, बिटकॉइन बहुत चर्चा में है पिछले बहुत दिनों से और पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है. देखिए बिटकॉइन अभी
अभी इस पे बैन नहीं लगा है, तो अगर आपके पास आपके वॉलेट में बिटकॉइंस हैं तो आप उसको फिलहाल अभी बेचने पे कोई रोक नहीं है, आप उसको बकायदा बेच सकते हैं, जो भी उसकी मार्केट में कीमत होगी जिस दिन आप बेचेंगे उस दिन आप उसको फिलहाल अपने वॉलेट, आपको सेल की प्रक्रिया पता ही होगी, आप अपने वॉलेट से जिसको भी बेचना चाहते हैं उसका आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और वो उसके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बदले में आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो अभी इस पे बैन लगा नहीं है, चर्चा चल रही है और काफी मतांतर निकल के आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि पूरा ना लगाया जाए, बहुत इस पे विचार विमर्श चल रहा है फिलहाल। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आपने जो निर्णय लेना जल्दी लीजिए जी। हमारे साथ फोन लाइन पर इस बीच आ जुड़ी हैं रिंकी तिवारी। रिंकी जी बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। रिंकी जी का लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया। शरद जी, हम क्रिप्टो करेंसी पर ही आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के लिए जो चर्चाएं लगातार हो रही हैं, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में निवेश की जो प्रक्रिया है या दोनों को क्या माना जा रहा है, कानूनी नजरिए से भी और आम जनों में जो चर्चा है उस नजरिए से भी। बहुत अच्छा सवाल पूछा मनोज आपने। जो डिजिटल करेंसी क्या है अगर आप वो समझ लें, तो क्रिप्टो करेंसी तो ज्यादातर लोग अब तक कम से कम सबने सुना हुआ है। डिजिटल करेंसी नई चीज सबको सुनने में आ रही है, इसको हम सीबीडीसी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये और कुछ नहीं है। अभी जो हम नोटों में कॉइन्स में डील करते हैं, आपके भी वॉलेट में पैसे पड़े होंगे और आपके बैंक में रुपए पड़े रहते हैं, उसकी जगह बहुत सारे देशों में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। भारत सरकार का रिजर्व बैंक भी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि इस सारे रुपए और कॉइन्स को डिजिटल कर दिया जाए, मतलब इसका लेन देन डिजिटल माध्यम से हो, जो कि हम सब देखते हैं अभी भी बैंक के ट्रांजेक्शन हम डिजिटल करते हैं, यूपीआई से हम पेमेंट करते हैं, गूगल पे से करते हैं, वॉलेट से हम करते हैं, तो इसको डिजिटली एक से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर किया जाए बजाय नोटों और कॉइन्स के, इसको हम सीबीडीसी कहते हैं। इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, टेस्ट रन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी आएगी। क्रिप्टो करेंसी तो ब्लॉकचेन पे आधारित अंतर्राष्ट्रीय 4000 से ज्यादा करेंसीज हैं, इनका कोई बाउंड्री नहीं है, ये किसी भी देश से किसी भी देश में चल देती हैं और वॉलेट्स के माध्यम से जो आपका क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट बना दिया जाता है उसमें ये स्टोर हो जाते हैं। इसका हैक वैक होने का भी डर है, बहुत लोगों के चोरी हुए और इसको लोगों को ज्यादातर निवेश के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत घटती बढ़ती रहती है। पर जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी तो रुपए ही है एक तरह से, मतलब जैसे रुपए की अभी आपने अपने खबरों में जैसे आपने डॉलर का जिक्र किया कि रुपया जो है वो घट के बंद हुआ, रुपया गिरा, तो सीबीडीसी तो वही है, रुपए का एक डिजिटल रूप है। तो उसको निवेश के लिए हालांकि लोग करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं पर करेंसी उतना पॉपुलर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बन गया था क्योंकि रातों रात लोगों के डबल पैसे, ट्रिपल और बहुत गुना पैसे होने की खबरें निरंतर आती रहती है, जिस वजह से जो यंग पॉपुलेशन है 21 से 35 साल, उनका काफी रुझान इस तरह हुआ। इसी को लेके सरकार में चिंता शुरू हुई कि गलत लोगों के हाथ में आ सकती है, इसका प्रयोग जो है अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, किसी का मेहनत की कमाई लुट सकती है, उसके पैसे गवा सकता है वो, इसी को लेके विचार विमर्श चल रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इसके लिए कानून पारित होगा जिसमें इसको रेगुलेट किया जाएगा या इसको रोक दिया जाएगा, जो भी होगा विचार विमर्श चल रहा है। अभी जो पहले श्रोता थे उन्होंने इसी संबंध में सवाल पूछा था, तो उम्मीद करते हैं हम कि देखिए जो भी निकल के आएगा लोगों के हित में ही होगा। जी। नेक्स्ट कॉलर इज सतीश फ्रॉम दिल्ली, अ वार्म वेलकम टू यू सर, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। शरद जी, जैसे दुनिया के सभी देश जो है डॉलर के सामने कहीं भी नहीं टिकते, वो उनको डर लगा रहता है कि भाई जैसे ही डॉलर की तेजी आई होती है, तो दूसरी तरफ ये बिटकॉइन जिसकी एक बिटकॉइन की कीमत 42 लाख रुपए है, तो दुनिया के सभी देश इसका सामना कैसे करेंगे? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इस समय सबसे ज्यादा बिटकॉइन किस देश के पास है? धन्यवाद। सतीश जी, डॉलर तो एक इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर एक इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल व्यापार को नापने का मापदंड है, ये हम सब जानते हैं बहुत सालों से, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 22-23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो उनका वर्चस्व है इस करेंसी पे, वहीं से दुनिया भर का ट्रेड ज्यादातर मेजर किया जाता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का तो जो इन्वेंटर है, कुछ ऐसा सुना में आता है कि कोई सातोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, पर यह कन्फर्म भी नहीं है वो वाकई में कोई इस नाम के कोई व्यक्ति थे कि नहीं थे, कहां पर थे, चीन में थे, जापान में थे, अमेरिका में थे, ये भी कुछ पक्का पता नहीं है। तो देखिए ये तो माइनिंग के जरिए एक एल्गोरिथम से ये कॉइन्स जनरेट किए जाते हैं और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइन जनरेट होते हैं। आपने पूछा कि किस देश के पास सबसे ज्यादा है, ये कहना तो बहुत कठिन होगा कि किस देश के पास सबसे ज्यादा है।
चीन में पहले ये बहुत प्रचलित था, उसके बाद यूरोप में आया, मिडिल ईस्ट में भी सुनने में आया था, अमेरिका में भी हमने सुना है, साउथ अमेरिका में बहुत, एक देश ने तो इसको मान्य कर दिया, लीगल टेंडर कर दिया एल सेल्वाडोर में। शरद जी, फॉर द बेनिफिट ऑफ आर लिसनर्स, इजंट इट ऑल्सो शेयरिंग द सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट टू इशू करेंसी व्हेन यू हैव बिटकॉइन विच इज ऑल्सो इनक्रिप्टेड बट देयर हैज बीन हैकिंग ऑल्सो? How do you explain Bitcoin, which is only backed by blockchain technology and limited issue, versus the currency issued by the central bank, backed by bond issues or gold earlier? What is a backing that is of value when it comes to Bitcoin? No, there is no backing, absolutely, Arjun, which is where the whole concern comes from. The whole concern, is rooted in the fact that it is not based on any fundamentals. It is just based on a mathematical formula and a logarithm. And limited number of coins can be generated, that's fine. But there is life in a company share, there's a balance sheet, there's a company, there's an office, there are people working, there's a stock exchange. There is answerability. But here there is no answerability, you're right. I mean, this is boundaryless. I mean, you can, the sovereignty of the state to run its currency, monetary policy is controlled by, for example, Reserve Bank in India, Federal Reserve in the United States. Whereas cryptocurrency is not controlled by any government. So it's an unregulated currency, which is where the concern of Indian government came from, and this is the reason why, a law is likely to come up very soon. So to answer Satish's question very precisely, ये कोई पता नहीं है सतीश कि ये कहाँ पर सबसे ज्यादा coins है, ये बहुत छुपा के कमरे वाला काम है और यहीं से चिंता शुरू हो जाती है जी. The whole issue of darknet and financing of illicit deals is using bitcoins only. Exactly, terror funding, terror financing. Then we talk of drug trafficking, we talk of human trafficking. There are so many things, illicit activities which can go on without any monitoring. I think that is where the government around the world, in fact, Prime Minister in his speech yesterday in the democracies, when the democracies were invited by America, Prime Minister again spoke of that it should be a democracy enabler, not an obstruction. This is an obstruction because you don't know what somebody is doing. It's an unregulated platform. Yeah. यानी क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा जो रहस्यपूर्ण मुद्रा है, कहां से शुरू हो रही, कहां पहुंच रही है, इसका लेखा जोखा रखना काफी कठिन, इसीलिए चिंता में है दुनिया भर की सरकारें. बहरहाल आइए आमंत्रित करते हैं अपने अगले श्रोता को. दिल्ली से आप हैं हमारे साथ भारत भूषण. भारत भूषण जी, बहुत बहुत कार्यक्रम में आपका स्वागत. सवाल पूछें. हाँ, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार और शरद सर को विशेष नमस्कार, हमारे विशेषज्ञ को. नमस्कार भारत भूषण सर. मेरा प्रश्न दो है. प्रश्न नंबर एक ये है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़ता है, क्या वो सुनने में ही हमें अच्छा लगता है या ये विदेशी मुद्रा भंडार का आरबीआई कोई जगह पे इन्वेस्ट करती है, कुछ हमें देशवासियों को फायदा होता है? दूसरी सर कृषि से संबंधित है, पूछ सकता हूँ सर? जी जी. हाँ, जो जैसे कि हमारे देश में देखा जाता है कि सर कि जापान में जैसे देखा जाता है कि धान के साथ साथ मत्स्य पालन भी उसी खेत के अंदर की जाती है, जिससे क्या होती है कि एक ही जगह का दो तरह से इस्तेमाल, दोहरा इस्तेमाल हो जाता है. मत्स्य पालन से उनका भी आय बढ़ता है, प्लस उसके बाद जो धान का रकबा होता है उससे भी उनका बढ़ता है. तो हमारे देश में इस तरह के प्रोग्राम को सरकार मतलब जमीनी हकीकत में कब रंग लाएगी, ये लागू करेगी? धन्यवाद सर. अब भूषण जी, आपका पहला सवाल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्या सुनने में ही अच्छा लगता है? जी नहीं, खाली सुनने में नहीं अच्छा लगता, ये किसी भी देश की एक अच्छी वित्तीय सेहत को बताता है. और भारत में आज अगर 600 बिलियन डॉलर से ऊपर के फॉरेक्स रिजर्व्स है, तो ये भारत को वित्तीय तौर पर और फिस्कल तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर बहुत ही सुरक्षित स्थिति में पहुंचा देता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए बाकायदा एक कानून बना हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं. इसका इस्तेमाल देश के ऋण वापस के लिए किया जाता है, आप जो इंडिया से बाहर जो लोग देशवासी पैसा भेजते हैं उसके लिए ये किया जाता है, बहुत सारे चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है. इसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया जाता है, पर ये देश को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें कोई दौर. आप अगर बाकी देशों के बारे में सुने, उदाहरण के तौर पर जैसे पाकिस्तान है या और जो आर्थिक रूप से कमजोर देश है, अगर हम उनकी बात करें तो वहां पर उनके फॉरेक्स रिजर्व ना होने की वजह से उन लोगों के ऊपर खतरे की घंटी बजती रहती है, क्योंकि वो उनका डिफॉल्ट करने का डर होता है, उनके इम्पोर्ट्स बंद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. दूसरा, आपने पूछा कि कृषि क्षेत्र में धान में मत्स्य पालन. देखिए, आप मत्स्य पालन, धान की जो पानी इकट्ठा होता है उसमें जो मछलियां होती हैं उनको एक टेम्परेचर और एक वातावरण चाहिए होता है और एक सर्टन लेवल ऑफ वाटर चाहिए होता है, क्योंकि मैं कृषि पर काफी रिसर्च भी करता हूं और काफी पढ़ता रहता हूं उसको, और मैं बात भी करता रहता हूं, तो मुझे इसकी जानकारी है
कि आप अगर धान के खेत में मछली पालन करते हैं तो उसके लिए आपको अनुकूल वातावरण चाहिए, मौसम चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो पानी का लेवल है वो पानी का लेवल एक एक्स लेवल तक जाना चाहिए, तब उसमें मछली का पालन किया जा सकता है। हर जगह इसका पालन नहीं हो सकता, इसीलिए आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज है वहां पर फिश फार्मिंग के लिए तो अब अलग से फार्म्स बने हुए। और दूसरा, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि आप धान उगाने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए भारत भूषण जी, मछली पालने के लिए एक्सपर्टीज दूसरी चाहिए। तो मुझे लग रहा है हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो जो धान उगाता है, आपने देखा होगा वो किसान धान ही उगाता है, जो गेहूं उगाता है वो गेहूं ही उगाता है, और जो मछली पालन करते हैं उनको मछली पालन की जानकारी होती है। तो मुझे आपका सुझाव बाकी अच्छा है, अगर देश के किसी हिस्से में ये संभव हो सकता है तो जरूर इसको इम्प्लीमेंट करा जाना चाहिए। पर फिलहाल मुझे लगता है कि बिल्कुल दो अलग अलग भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही एग्री में आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आइए चलें मुंबई। मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शहनाज, स्वागत है आपका शहनाज, सवाल पूछे। हाय गुड इवनिंग, इंक्लूडिंग शरद जी। मुझे शरद जी के बारे में दो शब्द कहने हैं। पहली बात तो उनकी आवाज इतनी लाउड अच्छी है कि इजीली आई कैन हियर। सेकेंडली वो उच्चार प्रोनाउंसिएशन इतने क्लियर है, चाहे हिंदी और इंग्लिश, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। एंड थर्डली इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड। नाउ आई हैव अ टू क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, अगर पीपीएफ अकाउंट बंद होता है 15 साल के बाद और उसको विथड्रॉ नहीं किया जाता, कितने पार्ट ऑफ इंटरेस्ट चालू रहेगा और वो डेट इंटरेस्ट टैक्सेबल, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेक्शन नंबर टू, अगर पेरेंट्स ने बच्चों को नॉमिनी किया है, ईच डिपॉजिट से एक एक बच्चे को नॉमिनी किया है, तो उसके बाद बैंक से वो पैसे विड्रॉ करने के लिए सिर्फ नॉमिनी है ये बता के कितना आसान होगा, या और भी कोई जगह से बस करनी पड़ेगी? एनी अदर प्रूफ दे हैव टू शो? थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, यू टू यू ऑल। ओके शहनाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जरा नवाजी का। मैं अपना आम भाषा में बात करता हूँ, और हमारी सारी मार्केट मंत्रा की टीम शहनाज आप तक ये कार्यक्रम लाती है, सभी का उतना ही योगदान है जितना इसमें मेरा है। और जहां तक आपने पीपीएफ अकाउंट की बात करी, देखिए पीपीएफ अकाउंट 15 साल के बाद आपको अकाउंट मेच्योर हो जाता है, ये आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। उसके बाद आपको इसमें इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कुछ एक बैंक पीछे सुनने में आया था कि सेविंग्स अकाउंट के बराबर इंटरेस्ट देते हैं, पर आप मान के चलिए के 15 साल के बाद अगर आप इसको एक्सटेंड नहीं कराते हैं और 5 साल के लिए, तो ये इसके बाद आप ये सोच के चलिए कि इसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ना आप इसमें कोई पैसा जमा करा सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि जो बच्चे नॉमिनी होते हैं, माता पिता अगर बदकिस्मती से मान लीजिए चले जाते हैं और बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो उनको अपने नॉमिनी होने का प्रूफ देना पड़ता है, मतलब जिसका नाम एज ए नॉमिनी लिखा हुआ है उसको जाके बैंक में, या मान लीजिए बैंक में एफडी है तो उसको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। वो बैंक में जाके बताएंगे कि मैं उनका बच्चा हूं, उसका कोई साथ में उनका आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, और अपने बच्चे होने का मतलब उनके वो पुत्र या पुत्री है इस बात का कोई ना कोई सबूत उनको, नॉर्मली कोर्ट से सक्सेशन लेटर लिया जाता है जिसमें सारे वारिस जो होते हैं उनके नाम होते हैं, तो वो साथ में देना पड़ता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप बैंक है, आपके पास कोई कल को मांगने आ गया, तो आप ये वेरीफाई करना चाहेंगे कि जो मांगने आया है शहनाज जी वो वाकई में वो व्यक्ति है, कहीं उसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ गया है जिस बच्चे का नाम लिखा है, तो इसलिए उसका एडिक्वेट प्रूफ तो जरूर देना पड़ता है। वो बहुत बहुत जद्दोजहद नहीं है। अब देखिए, जब कोई दुनिया से चला जाता है तो पीछे जो लोग होते हैं थोड़ी बहुत जद्दोजहद तो उनको होती ही होती है, पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया नहीं है, ये मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ। शरद जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद बोथ योर बिजनेस इकोनॉमिक एंड लीगल स्किल्स ऑल्सो, सो आवर लिसनर्स हैव नाउ अंडरस्टूड दैट यू हैव टू बेसिकली अप्रोच द प्रोबेट कोर्ट in order for a succession certificate to be issued to take Absolutely. The advantage of being a nominee. Well, we have another avid caller for you, Shankar from Bhopal. Shankar ji, apna sawal poochiye. Hello. Ji Shankar ji. Ji Shankar ji. Namaste, Market Mantra team, and Sharad ji ko bahut namaskar. Namaskar. Sir, mera sawal hai, ye do sawal hai sir. Ek to aapka opinion about Bank Nifty, gold ETF, aur isme dono mein is waqt इसमें निवेश 5 साल के लिए या 3 साल के लिए अच्छा रहेगा, इसमें आ सकता है। और दूसरा एक और इसमें है बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक निफ्टी, दैट इज पीएसयू बैंक बी, तीनों ही शंकर, आपने जो तीनों बैंक निफ्टी का आपने नाम लिया, आपने गोल्ड ईटीएफ का नाम लिया, आपने पीएसयू इंडेक्स का नाम लिया, तीनों ही अगर आप 5 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं शंकर, तो मेरे हिसाब से तीनों ही बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बैंकों में जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं,
बैंकों में अभी जैसे एक बैड बैंक जिसको हम कह रहे थे, जो रिकंस्ट्रक्शन बैंक बना है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बना है, वो आया है, जिससे बैंकों की हालत धीरे धीरे करके सुधर रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक की भी सुधर रही है, उनको उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनको रिफाइन किया जा रहा है, उनको रिफॉर्म किया जा रहा है। और ओवरऑल जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स में वो तो मुनाफे के लिए काम करते हैं, तो उनके यहाँ एनपीएस भी कम देखने को मिलते हैं, और गोल्ड की तो वैसे ही भविष्य मुझे बहुत उज्ज्वल दिखाई देता है। तो अगर 5 साल का नजरिया है शंकर, तो मैं टोटली आपके तीनों आइटम्स के साथ हूँ, आप बड़े आराम से इनमें तीनों में निवेश कर सकते हैं। पर लंबी अवधि का आप नजरिया जो आपने बना रखा है इसको बनाए रखिए, आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। जी शरद जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ रिलेटेड क्वेश्चन विच म्यूचुअल फंड्स हैव ट्रेडिशनली अडॉप्टेड, विच इज इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर्स गिविंग देम कंसिस्टेंट रिटर्न्स। Even your independent investors have followed the index, but now we are seeing a change in the pattern of investments where selected stocks are picked up and invested in, which go up or down in valuation. So how does an independent investor, for that matter, a mutual fund actually select or formulate the portfolio? I think, Arjun, you see, the portfolio is selected on the basis of growth, because the objective of mutual fund is to make sure that the money which, the faith which the investors have reposed on the AMC, you know, that faith should be reciprocated by very handsome returns. So I think growth-oriented companies, growth-oriented sectors, promising sectors, futuristic sectors, those are the basic criterion for the AMCs as far as mutual funds are concerned. See, investing in an index-based fund is a choice, because index gives you, for example, we talk of Nifty 50. Now, that is a choice of 50 most volatile, most traded shares. BSE Sensex has got 30 shares. So, obviously, when you're investing in an index fund, you are betting on a group of companies together. And if we've seen the growth of index over a long term has never gone down. Why? There are intermittent periods where, like, I mean, recently, from 18,600, Nifty has gone down to 17,400, 500. But in the long term, I mean, if you compare from March 2020, anybody who had invested in March 2020 in an index fund, that's a Nifty fund, today would have more than doubled the money in 1.5 years. So I think long-term bets, the way investors are getting added to stock markets, Arjun, even index funds, but on a long-term basis, is not a bad idea at all, I would like to say. Yeah. आइए चलें सिलीगुड़ी, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रणव के चौधरी। चौधरी साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग शरद जी। गुड इवनिंग सर। टू योर ओशन लाइक नॉलेज आई विश टू पॉइंट आउट वन स्मॉल ड्रॉप रिगार्डिंग पीपीएस। या आफ्टर रिन्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 इयर्स पीरियड देयर इज ए ऑप्शन can be opted by the depositor, either he should continue the deposit, I mean deposit investment with addition of deposit or without addition of deposit. If he opts for addition, then every year at least 500 rupees he has to contribute, and he will get interest for the whole amount. This renewal can be done after maturity every time for 5 years at a time and infinite number of times. Sharaji, your response. Mr. Chaudhary, thank you for the information. I am aware of this fact, but the querist who had asked the question wanted to know if they just leave the account after 15 years and do not do anything, then of course the account becomes inactive. Yes, if you extend the account by 5 years and you have to deposit minimum 500, you can continue to earn interest. But I think the question at the point was related to the fact that if you just leave the account, so because there have been a lot of cases where people after 15 years, they don't care about the account. They said probably things are automatic. So I think, there is a slight difference in the fact, but I respect and appreciate the information given by you. Right. And I hope the queries would also be listening and they can add to their bank of knowledge. Yeah. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत उन कुछ चुने हुए देशों में शामिल है जिन्होंने कोविड-19 के बीच लगातार 4 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की है। अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाते हुए नवंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4% की वृद्धि हुई।
कृषि क्षेत्रों में निरंतर विकास होने से सेवाओं में पुनरुद्धार और विनिर्माण में पूर्ण सुधार हुआ है। वी नाउ जॉइन बाय पवन कुमार फ्रॉम दिल्ली। पवन जी, प्लीज कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी नमस्कार सर, कोहली जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, एक शेयर होल्डिंग के बारे में कंफर्म करना है जी। बताइए। हाँ, किसी कंपनी का था मेरे पास शेयर, उसमें जो है वो शेयर जो है रिड्यूस, कैपिटल रिड्यूस किया है, और उसे कंपनी ये प्रस्ताव आने से पहले मेरे पास होल्डिंग थी, लेकिन उसके बाद उसकी पूंजी काफी कम हो गई है कैपिटल, उसके बारे में सवाल बताइए प्लीज सर। थैंक यू जी। पवन जी, कैपिटल रिडक्शन हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन तो ज्यादातर जो होता है वो बायबैक होता है, मतलब जो कंपनी जिसके पास शेयर होती है तो कंपनी एक बायबैक ऑफर लाती है कि अगर आप अपने शेयर वापस कंपनी को बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वो ऑफर का पता लगा होगा, पर किसी वजह से अगर आपसे वो ऑफर मिस हो गई है तो आप, मैं आपको सलाह ये दूंगा पवन जी, आप कंपनी के जो रजिस्ट्रार है आप उनसे पहले संपर्क करें, उनसे सारे फैक्ट्स पूछें कि कंपनी, क्योंकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऐसे सीधा नहीं हो जाता है कि आपने सीधा, अब ये भी देखना पड़ेगा पवन जी कि लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड है तो उसकी तो आंसरेबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को होती है, पर अगर अनलिस्टेड कंपनी ने ऐसा कुछ किया है, आपने निवेश किया, तो वहां पर थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा आप कंपनी से या उनके रजिस्ट्रार, उनके कंपनी सेक्रेटरी से संपर्क करें, पूरे फैक्ट्स लाएं कि साहब ये रिडक्शन क्यों किया गया है और इसका मैं लाभार्थी हूं कि नहीं हूं, मुझे मतलब मेरे बायबैक में मुझे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर बिना मुझे बताए किया गया है तो फिर इसकी बकायदा शिकायत की जा सकती है। आप पहले पता करके पवन जी हमें दोबारा कॉल करिएगा और मैं फिर आपको बहुत स्पेसिफिक इसका समाधान बताऊंगा, जिससे आपकी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई आपके पास से जाएगी नहीं। जी आइए चले मुंबई। मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर है रत्नाकर। रत्नाकर जी, समय कम है, अपना सवाल तेज गति से पूछ लें। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि 26 एस में जो टैक्स दिखाते हैं उससे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय टैक्स मैच होना चाहिए, ये सही है क्या? और दूसरा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन 26 एस में दिखाते नहीं है, तो डीमैट का डिटेल्स भी अपने हमने इनकम टैक्स रिटर्न में भरना है क्या? जी हाँ रत्नाकर जी, पहली बार सवाल था कि 26 एएस, जी हाँ 26 एएस से आपका मैच होना चाहिए। मैंने 26 एएस को नया नाम दिया है, 26 एएस को मैं आमना सामना बोलता हूँ, क्योंकि आपका अपने टीडीएस से आमना सामना हो जाता है, बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपको फिर कल को नोटिस आएगा, 143(1) के अंतर्गत नोटिस आता है, और भी नोटिस आ सकते हैं। और दूसरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अभी रत्नाकर जी आपने सुना होगा एक नई स्टेटमेंट आ रही है जिसका नाम है एआईएस, एनुअल इन्फॉर्मेशन, एनुअल इनकम स्टेटमेंट आने वाली है, उसमें आपको और ज्यादा ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देखने को मिलेंगे, प्री फिल्ड बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगे। Right. तो थोड़ा सा इंतजार करिए हम ट्रांजिशन फेज में। लेट्स हैव लुक एट द यूएस मार्केट नाउ। वॉल स्ट्रीट एडवांस यस्टरडे विद द एस&पी 500 नॉचिंग एन ऑल टाइम क्लोजिंग हाई। The three major U.S. stock indices climbed as market participants digested an inflation reading that was in line with consensus, but also marked the largest annual increase in consumer prices in the nearly four decades. The Dow Jones Industrial Average ended 0.6% up, Nasdaq Composite Index added 0.7%, and the S&P 500 gained 1%. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी, हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया, thank you. श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि रविवार को हमारा म्यूचुअल फंड पर आधारित कार्यक्रम हुआ करता है, हमें आपके उस में भी उपस्थिति की प्रतीक्षा रहेगी। आप हमारे कल 6:30 बजे फोन इन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices climbed more than 1.5% in the week ended yesterday, even as foreign fund outflow continues. Sensex closes near 58,800. Nifty finishes near 17,500 amid the positive global cues. And the rupee logs a depreciation of 61 paise during the week to trade at 75 rupees and 78 paise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Bye.